रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में कैदी संदेहास्पद स्थिति में उसकी कैदी का गला रीत कर रेता हुआ मिला। घायल अवस्था में कैदी रहमतुल्ला अंसारी को रिम्स में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने जेल में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मारपीट कर उसकी गला रेत कर हत्या की गई है। कैदी के शरीर में धारदार हथियार से काटने का निशान है। मृतक के परिजन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जेल के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की मांग कर रहे हैं। जेल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। सोमवार को जेल में परिजनों ने कैदी से मुलाकात की थी। कांके थाना क्षेत्र के बाइक चोरी के केस में जेल में बंद था। परिजन लगातार सीसीटीवी फुटेज जेल के अंदर की जो है फुटेज देखने की मांग कर रहे हैं और उनका आरोप है कि ये लापरवाही की गई है जिस वजह से कैदी की हत्या कर दी गई। आपको बताया कि परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसकी गला रेत कर हत्या की गई है। कैदी के शरीर में धारदार हथियार के से मारने का निशान भी है। मृतक के परिजन प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हैं। इमरान, कैदी की हत्या कर दी गई जेल के अंदर, ऐसा आरोप जो है परिजन लगा रहे हैं पुलिस वाले पे और कह रहे हैं कि उनका कहना है कि धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी देखने की मांग की जा रही है। क्या पूरा मामला है और अभी फिलहाल क्या कुछ बातें सामने आई है इसे लेकर? देखिए, आज से 6 महीने पहले रहमतुल्ला अंसारी जो कि कांके निवासी हैं, बाइक चोरी के केस में बिरसा मुंडा कारा जेल भेजा गया था। बिरसा मुंडा कारा जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में रह रहे थे, लेकिन इसी दौरान उसके अचानक गले पर कई प्रहार से घायल होने के बाद रांची के रिम्स लाया गया। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गया। परिजनों की सूचना जो है काफी लेट से दी गई, जो कि कल रहमतुल्ला अंसारी को लाया गया था रांची के रिम्स, लेकिन आज उसको सुबह में इसकी जानकारी दी गई कि उनके जो कैदी थे जो कि बिरसा मुंडा कारा जेल में बंद थे, उनकी मौत हो चुकी है और उसने गला खुद से रेत करके आत्महत्या की कोशिश की थी, जिनका इलाज कराने के दौरान मौत हो गई। इस पूरे मामले की जानकारी जब परिजनों को ही, तो परिजन तमाम जो लोग हैं वो इस जगह पे पहुंचे, रिम्स में पहुंच करके पूरे मामले की जानकारी जुटाने की कोशिश की। मृतक के परिजन, उनके भाई का कहना है कि दिन भर रिम्स में भटक भटक करके पूरे मामले की जानकारी मांग रहे थे, लेकिन देने वाला कोई नहीं था। एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग से तीसरे बिल्डिंग का दौरा जो है वो करवाया जा रहा था। कर दी गई है, क्यों हत्या कर दी गई? आप लोग गंभीर आरोप जेल प्रशासन पे लगा रहे कि हत्या कर दिया गया है। मेरा भाई को हम सही सलामत थाना को सौंप दिए थे, हमको मेरा भाई सही सलामत चाहिए, उसका इंसाफ चाहिए। आज दिन भर हम 2 बजे तक दौड़े इस रिम्स पे, पर कहीं जाके पता मिला, इधर जाते तो उधर बोलता है, इधर जाते उधर बोलता है। हमको इंसाफ चाहिए, कैसे मेरा भाई ऐसा हुआ थाना से? जेल जानकारी दी गई थी आप लोगों को, क्या बोलकर यहाँ बुलाया गया? हमको एक नोटिस देता है, उसके बाद हम नोटिस पढ़ के आए हैं और जिस जो नंबर नोटिस में नीचे लिखा हुआ है उस नंबर पे हम ट्राई करते हैं, फोन नॉट रिचेबल बताता है, रिचार्ज खत्म। कैसे लग रहा है कि ये हत्या हो गई है आपके भाई के? कैसे नहीं लगेगा जी पास? इमरान, फिलहाल आपकी आवाज जो है तकनीकी खराबी की वजह से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल तमाम जो भी जानकारी आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।